नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में गेंडे से जुड़े सभी रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं जो आज से पहले शायद ही आपने कहीं पढ़े और सुने होंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। धरती पर पाए जाने वाले जानवरों में हाथी के बाद सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर गेंडा है। गेंडे की कुल 5 प्रजातियां हैं, जिनमें से 2 प्रजातियां अफ्रीका में पाई जाती है तो दक्षिण एशिया के देशों में मिलती है। गेंडे की लगातार शिकार करने की वजह से अब गेंडे की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे है। गेंडे की ऊंचाई 6 फुट और लंबाई 11 फुट तक बढ़ सकती है। अफ्रीका में पाए जाने वाले सफेद गेंडे पूरी तरह से सफेद नहीं होते हैं, इसका रंग थोड़ा भूरा होता है। काले गेंडे के मुकाबले इसका मुंह थोड़ा बड़ा होता है। भारत में गेंडे असम राज्य के अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में और हिमालय की निचली पहाड़ियों में भी पाए जाते हैं। गेंडे की त्वचा काफी मोटी होती है। अगर इसकी त्वचा पतली होगी तो इन्हें सूर्य की किरण से नुकसान पहुंच सकती है। अपनी त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए गेंडे कीचड़ मलते हैं और उन्हें कीचड़ में रहना पसंद होता है। क्या आप जानते हैं कि गेंडे शाकाहारी जानवर हैं? ये अपना जीवन व्यतीत घास, झाड़ी, पत्ते खाकर करते हैं। गेंडे के थुनन पर जो सींग पाया जाता है, असल में वो सींग नहीं होता है बल्कि ये हजारों मोटे बालों का गुच्छा होता है। अगर वह टूट जाए तो थोड़े समय के बाद फिर से वो उग जाते हैं। एशिया में पाए जाने वाले गेंडे का एक सींग होता है, जबकि अफ्रीका में पाए जाने वाले गेंडे का 2 सींग होता है। इस जानवर के पास देखने की कुछ खास शक्ति नहीं होती है, लेकिन सूंघने और सुनने की शक्ति काफी होती है। 50% नर और 30% मादा गेंडे की मौत लड़ाई की वजह से हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं गेंडे से जुड़े सभी रोचक तथ्य समझ में आएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट कर दे। थैंक यू सो मच।